क्या बात है। आगामी लोकसभा को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह जी आज जौनपुर में एक जनसभा को संबोधित किए, इनसे बात करते हैं क्या पार्टी की तैयारियां हैं, चुनाव आगामी कैसे होगा, क्या तैयारी रहेगी 24 के लिए। 24 की तैयारी हम लोगों की बहुत, इंडिया गठबंधन जो अभी हम लोगों का बना है उसकी तैयारी चल रही है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर जहां जिसकी पकड़ मजबूत है वहां पर सब लोग मेहनत कर रहे हैं और किस तरीके से चुनाव जीता जाए और प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीते, इस दिशा में काम चल रहा है। महागठबंधन से पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा में सियासी जो कला शुरू हो गई है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जो चिरकुट हैं, इसको लेके क्या कहें। देखिए, ये स्टेटमेंट तो अभी हमने सुना नहीं जो आप बता रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंट कोई स्टेटमेंट मैंने देखा है कि आपस में वार्ता, ये तो देखिए जब राजनीति में जब विभिन्न विचार अलग अलग विचारधाराओं के दल मिलते हैं तो अक्रॉस द टेबल तो बातें चलती रहती हैं, कहीं मतभेद भी हो गए, उसको लेके बहुत गंभीरता से सब चीज़ों को नहीं लेना चाहिए और इसको अननेसेसरी का इशू भी नहीं बनाना चाहिए। घर एक परिवार चलाते, उसमें भाई भाई के विचार नहीं मिलते, फिर बैठते एक साथ, तो जब लक्ष्य एक है, बात एक अभी मत देखिए खटर पटर हो रहा, बात लक्ष्य एक है कि लक्ष्य सब लोग मिलकर साथ लड़ें और इंडिया किस तरीके से सरकार बने, इस बार जो अभी गठबंधन नया बना इंडिया, उस दिशा में सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। जौनपुर की सीट पे अगर बात करें तो अगर गठबंधन होता है इंडिया गठबंधन, तो जौनपुर की सीट पे क्या कयास लगाए जा रहे हैं। हमारी जेडीयू की सबसे मजबूत दावेदारी है जौनपुर के लिए और जौनपुर सीट हम क्लेम किए हुए हैं, हमारे नेताओं ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, ललन जी ने जौनपुर के लिए, और भी हमारे प्रदेश में हमने 4 सीटों को चिन्हित किया है जहां से हम अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे। अब गठबंधन के बाद दिखाया था कौन कौन सी सीटें हम लोगों को मिलती है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता दावा करते हैं कि योगी और मोदी लहर में हम चुनाव बंपर वोटों से जीतेंगे, तो कैसे टक्कर देंगे उन्हें आप, अगर सीट मिलती है जेडीयू को तो फिर कैसे, क्या तैयारी रहेगी। चुनाव होगा तब देखिएगा कैसे होती है, तैयारियां कैसे होती हैं, कैसे लड़ा जाता है जनता के बीच में चुनाव, वो तो आपको जब चुनाव होगा तब ना देखेंगे आप, पहले काहे कैसे कह देंगे। 2014 में चुनाव हुआ, मोदी जी चुनाव जीते, बहुत शानदार तरीके से जीते, और उसके बाद वहीं दिल्ली का चुनाव विधानसभा का हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली, तो ये भी है, तो बहुत सी चीज़ें चलती हो रहती हैं। योगी बिल्कुल, जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह थे जो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव, उनका कहना है कि आने वाले चुनाव में पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी। अजय पांडे, TV9 जौनपुर।